हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर वेज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो केसर है उसकी पहचान कैसे करें कि वो असली है या नकली है। फ्रेंड्स, केसर कितना यूज़फुल होता है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केसर का यूज़ होता है और कई तरह की ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें केसर का यूज़ होता है। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं, लेकिन जब भी हम केसर का यूज़ कर रहे हैं तो हम ये श्योर हूँ कि भाई वो असली है या नकली है। अगर नकली है तो फिर उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो असली ही हो। तो उसकी पहचान हम छोटी छोटी ट्रिक से पता कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक है सबसे पहले मैं इसे ठंडे पानी में यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। ये मैं केसर लेकर आई थी, लेकिन अब मुझे यही चेक करना है कि ये असली है या नकली है। तो उसके लिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ में। तो ये मैंने कटोरी में ठंडा पानी ले लिया है और उसमें मैं केसर की जो एक दो स्ट्राइप्स हैं वो पानी में डाल दूँगी। और अगर फ्रेंड्स ये नकली केसर होता तो इंस्टेंटली जैसे ही आप पानी में डालते, अगर इसमें कलर या नकली होता तो जैसे ही हम पानी में डालते वैसे ही इसका रंग छोड़ना शुरू कर देता है, ये बिल्कुल वैसे ही उसी टाइम। लेकिन जो असली केसर होता है वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, मतलब कि आपका 60 सेकेंड का टाइम ज़रूर लेगा अपना रंग छोड़ने में, हल्का रंग छोड़ने में। तो हल्का रंग वो 60 सेकंड में छोड़ना शुरू करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि केसर की जो स्ट्राइप्स हैं उसके आसपास हल्का सा पीलापन दिख रहा है हमें पानी में। अगर ये जो नकली होता तो एकदम से इंस्टेंटली रंग छोड़ता और वो रंग पीले में ना होकर के लाल में हमें लगता, जैसे लाल लाल सा रंग निकल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल हल्का पीला है। अभी आप धीरे धीरे 2 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा रंग छोड़ेगा ये। वैसे तो छोड़ता ही रहेगा, जितना आप छोड़े रखो, चाहे 3 घंटे चाहे 2 घंटे, वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन ये देखिए, ये 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है और बिल्कुल पीला, गोल्डन पीला कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल असली केसर है। और आप इसके केसर के जो धागे हैं उनको भी देखिए, वो उनका रंग बिल्कुल एज इट इज़ है। ये नहीं कि रंग निकलने के बाद उनका रंग फीका पड़ गया है, वो भी नहीं है। तो केसर के जो धागे हैं उनका कलर भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। ये गर्म पानी ले लिया है मैंने, अब मैं गर्म पानी में इसका दूसरा यूज़ करूँगी। इसमें मैंने थोड़ी 2-3 स्ट्राइप्स डाल दी हैं केसर की। और गर्म पानी में क्या होता है कि अगर हम इसे गर्म पानी में उबालना शुरू कर देंगे तो जल्दी से पिघलेगा, लेकिन वैसे अगर हम गर्म पानी में केसर को रखेंगे तो फ्रेंड्स वो हल्का हल्का सा पिघलना शुरू हो जाता है। और पिघलते पिघलते वो अपना रंग भी छोड़ता है, साथ साथ में जो केसर की जो स्ट्राइप्स हैं वो पिघलना भी शुरू होती हैं। रंग उनका एज इट इज़ रहेगा, आप देख रहे हैं पिघलने के बाद भी इसका रंग बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन बिल्कुल पिघल गई हैं ये, पानी में बिल्कुल घुल गई हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बची हैं, मोस्टली घुल गई हैं। अब नंबर 3 है, दूध के साथ में इसका टेस्ट करूँगी। तो दूध में मैंने 2-3 स्ट्राइप्स डाल दी हैं। तो अब मैं देखूंगी कि दूध ये है कि बिल्कुल वाइट होता है तो इसमें हमें इंस्टेंटली असर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही हल्का सा वो आपको कलर छोड़ना शुरू कर देगा, जो उसका केसर का रंग होता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल जिस स्ट्राइप्स के आसपास हल्का सा पीलापन सा आने लग पड़ा है। अगर ये लाल कलर होता तो नकली है, पीलापन आ रहा है तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली श्योर है कि ये असली केसर है। और इनके धागों का कलर जो आप देख रहे हैं, इनकी जो स्ट्राइप्स हैं उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चाहे कितना भी ये पीलापन हो जाएगा दूध में, लेकिन उसका जो कलर है वो वाइट नहीं होगा। अगर वाइट हो जाएगा तो इसका मतलब नकली। आप देखिए बिल्कुल धागे इतना कलर छोड़ने के बाद भी, अपना जितना भी उनका रस है वो छोड़ने के बावजूद भी उनका कलर जो है बिल्कुल एज इट इज़ है। तो कलर उनका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये असली केसर है। ये देखिए इसके जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल आपको दिख रही हैं, बिल्कुल एज इट इज़ कलर में है जैसे मैंने डाली थी।
तो इसका मतलब असली है। अब नंबर फोर्थ है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है कि हम शॉप पे जब भी जा रहे हैं लेने के लिए तो उसी टाइम हम इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। हम कोई भी सफ़ेद रंग का रुमाल ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें, उसमें हम थोड़ा सा केसर को भिगो लें पानी में या फिर अपना गीला कर लें किसी भी चीज़ से और इस तरह से कपड़े पर लगा के देखें। आप देख रहे हैं बिल्कुल पीला कपड़ा हो गया है। अगर ये ज़रा भी लाल रंग में दिखता तो इट मीन्स कि वो नकली होता। अब पीला दिख रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बिल्कुल असली और प्योर और शुद्ध केसर है। ये देखिए, मैं इसे रब करके भी दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा कपड़े के ऊपर हम रब करके भी देख सकते हैं कि लालपन तो नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, कपड़े के अंदर कोई लालपन नहीं है, कोई लाल रंग की इसका जो छोड़ा है इसने पानी बिल्कुल भी लाल नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पीला है, गोल्डन सुनहरी पीला है, तो ये डेफिनेटली हमारा असली केसर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चार तरीकों से देखा है कि केसर की पहचान हम कैसे करें। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो का जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो बाकी सब भी ले सकें, ताकि कोई भी नकली चीज़ों का यूज़ ना करें और असली चीज़ों की छोटी छोटी ट्रिक्स से पहचान कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।